खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से। आपको बता दें, मोक्षधाम से जागपुर घाट पुल का आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने भूमि पूजन किया। जी हां, एक दिन पूर्व वार्ड नंबर 32 एवं 33 में भी लाखों के सीसी रोड का भूमि पूजन उन्होंने किया था और 27 नवंबर को बहुप्रतीक्षित जागपुर घाट पुलिये का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें, जागपुर घाट पुल के भूमि पूजन समारोह के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि शहर में विकास कार्य निरंतर जारी है, इसमें धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड को कच्ची सड़क से मुक्त किया जाएगा एवं भाजपा विकास की राजनीति करती है। शहर की जनता ने जिस तरह से 3 बार नगरपालिका में भाजपा का परचम फहराया है, उससे नगर की जनता को विकास की सौगात भी मिलना शुरू हो गई है। भविष्य में नगर में विकास दलदल राजनीतिक से हटकर होगा और उन्होंने कहा कि जिला सिवनी से लेकर ग्राम लवादा तक 4 लेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए वे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जल्द मिलने भी वाले हैं। वार्ड नंबर 33 में करोड़ों की सीसी सड़क, नाली और अन्य विकास कार्यों की सौगात मिलने के बाद वार्ड पार्षद व नगरपालिका बालाघाट के उपाध्यक्ष योगेश उर्फ पप्पू बिसेन ने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का आभार व्यक्त किया। देखिए, हमारे वार्ड नंबर 2, 1, 10 और 11 सहित पूरा बालाघाट जिला और हमारे पसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लेकर के आखिरी मंडला और जबलपुर तक को जुड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। यहाँ काफ़ी ट्रैफिक है और जितने तरह से वाहन और जनसंख्या बढ़ रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़े ब्रिज की आवश्यकता है। हालांकि हमने NHI से खैरी से लेकर लवादा और लवादा से लेकर डोंगरिया लंडेरी और वहाँ से ग्रीन वैली के सामने से एकोड़ी की और रजेगांव की ज़मीनों के होते हुए सीधे गोंगले और उसके बाद में कन्हड़ गाँव खुरसोली तक का बाईपास जो जाके रजेगांव तक तो पहुँचेगा, इसकी लंबाई लगभग 46 किलोमीटर हो रही है और 460 करोड़ रुपया इसमें अनुमानित है। प्रथम दृष्टि अनुमान वो हमारा DPR बन के तैयार हो रहा है और हमने जमीन का क्लियरेंस जिला स्तरीय समिति से भी दे दिया। ये पूरी रोड का स्टार्टिंग बाईपास का पॉइंट है बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का और गोंगले के बाद में या गोंगले से हमारा परसवाड़ा क्षेत्र आता है जो खुरसोली तक है और हमारे लोगों का खुरसोली से लेकर गोंगले तक का तो डिमार्केशन हो गया, किसानों ने सहमति दे दी। अब इसके इस तरफ हम जागपुर एकोड़ी है, उसके आगे है हमारा डोंगरिया है, लेंडजेरी है, कुछ रजेगांव है और आके आकर के लवादा खैरी तक सारे किसान भी सहमति दे रहे हैं। सभी किसानों के सहमति पे कलेक्टर गाइडलाइन से उनके जो जमीन आएगी उसका भुगतान होगा। अधिकांश जो एरिया है वो फॉरेस्ट का है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि उसके बन जाने के बाद में भी शहर के अंदर का जो लोड कुछ कम होगा, पूरा समाप्त नहीं हो सकता और इसलिए जो हमारा अगला कदम है सिवनी से हमारे बाईपास लवादा तक 4 लेन बनाना, उसका भी हमारी चर्चा चल रही है और मैं इसी सप्ताह में माननीय नितिन गडकरी जी के पास जाने वाला हूँ कि उसको हमें सेंक्शन प्रदान करें। और हमारा जो है इसमें 12 मीटर चौड़े का जो बनाते हैं तो उसमें प्रथम दृष्टि अनुमान में 60 करोड़ रुपया जमीन के अधिग्रहण की राशि भूमि स्वामी को देनी होगी और यदि हम 7.5 मीटर का बनाते हैं तो इसमें राशि लगभग 40 करोड़ आती है। जो कास्ट है वो तो दोनों स्थिति में लगभग बराबर आएगी, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, क्योंकि जो बीच का पोर्शन है उसमें आधा राज्य सरकार की राशि लगती है और आधा भारत सरकार की। इसका निर्माण मोटे तौर पर भारत सरकार ने रेल मंत्रालय करता है, जहाँ से रेल के पाते जाते उस एरिया का। तो ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, आज हमने सभी से चर्चा की है, अभी हम उसका डिमार्केशन करेंगे। डिमार्केशन करके जहाँ तक चौड़ाई लगती है, सनोडिया जी जो हमारे इस ब्रिज निर्माण के यहाँ पे यही प्रभारी हैं, वो इस काम को करेंगे। आज वो चूँकि हमारे दो दो और कार्यक्रम हैं, अभी हमने पातंजलि योगपीठ में जो विधायक जिससे शेड बनाया था 15 लाख का, उसका इनॉग्रेशन अभी हमने किया और मोक्षधाम से जागपुर को जाने वाला ब्रिज का भी इसके बाद में जिसको 24 करोड़ 45 लाख रुपये हमको वित्तीय अनुमोदन मिला, टेंडर की कार्रवाई जारी हो चुकी है, उसका भूमि पूजन करने के बाद कल वो फ्री हो जाएंगे और वे और पटवारी और राजस्व विभाग मिलकर डिमार्केशन करेंगे।
मोटे तौर पर सबका इच्छा है कि 12 मीटर चौड़ा बने, क्योंकि राशि भू अर्जन की अत्यधिक है और फाइनेंस का हम लाख कहें एक अपना महत्व है, अपना स्थान है, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। फिर भी बालाघाट के हित में जैसे दो पुलिया हमारे हो गए, दो रेलवे ब्रिज हो गए, तीसरा भी होगा और हमारे माननीय गुप्ता जी हैं, जितने भी लोगों ने मार्गदर्शन दिया है, इन परिस्थितियों को देख के दिया है, ये हमारे लिए हैं। लेकिन आने वाली 50 साल की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए, वाहनों के बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, हमको न चाह कर भी 12 मीटर का पुलिया बनाने की स्थिति दिख रही है और मुझे लगता है इसमें कोई परहेज नहीं। वार्ड नंबर वार्ड नंबर 1, 2, 10, 11 के स्थानीय जनों से चर्चा करी और दो तरह के ओवरब्रिज यहां प्रस्तावित हैं, एक 8 मीटर चौड़ाई का, एक 12 मीटर चौड़ाई का, दोनों के लिए ही उनका अभिमत जाना और बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अतिक्रमण बहुत आएगा, लोगों के घर और दुकानों में टूट फूट होगी, इसका मुआवजा ना सरकार को लगभग 40 से 60 करोड़ रुपये सरकार को देने होंगे। लेकिन इस वो तो प्रस्तावित है ही और निश्चित तौर पे अगर हमारे स्थानीय जन सभी लोग सहमत रहे तो भटेरा रेलवे ओवरब्रिज का काम भी जल्द ही प्रारंभ होगा। इसके साथ ही स्थानीय जनों के मनसानुरूप हमने एक प्रस्ताव रखा माननीय बाबू के सामने, माननीय आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे जी के सामने, कि चूँकि जब यहाँ रेलवे ओवरब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा, उस स्थिति में भी जिस तरह से भटेरा चौकी क्षेत्र का विस्तार हुआ है और जनसंख्या में और घरों में वृद्धि हुई है, उसको देखते हुए वहाँ एक वैकल्पिक मार्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने प्रस्तावित किया है गोदापाड़न मार्ग एक कहलाता है, जो सेंट मेरी रोड से आगे जाता है और नहर के ऊपर से जो हमारी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए डॉक्टर शिशिर खरे के घर के सामने बैयर रोड पर मिलता है, जो बहुत पुराना मार्ग है, लगभग 40 फीट चौड़ाई का मार्ग है। उस मार्ग को अगर हम बना देते हैं, उसके नीचे से 9 फीट की गाड़ियाँ निकल सकती हैं, ट्रक बस को छोड़ के बाकी सब। नगर पालिका उपाध्यक्ष, अभी आप नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद पर हैं, अभी शहर में भी जो विकास की बात करें, हाँ विकास में क्या देखने के लिए शहरी में विकास की बातों को अगर आप ऐसा देखा जाए तो अभी आपने देखा होगा कि अभी ठीक है, अभी हम लोग 4 महीने ही बने हुए हैं, उसके बाद अभी हमारे लगभग काम चालू हो गए हैं। हमारे पास शहर में अभी 11.5 करोड़ के काम हैं, जिसमें से आपने एक अभी रोड देखा होगा, हमारा रेलवे स्टेशन से लेकर के हनुमान चौक का काम बिल्कुल चालू हो चुका है, वहाँ पे रोड में वहाँ सीमेंट रोड बनना है डिवाइडर वाला, उसका काम चालू है। इसके अलावा हमारे पास वार्ड नंबर 13 बूढ़ी साइड का जो एरिया है, वहाँ पे हमारे पास 3 करोड़ का एक काम है जिसका सेंक्शन हो चुका है, टेंडर हो चुका है, वो भी मिल गया है, 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ का, 2.70 करोड़ का एक और काम है, उसके अलावा 2.5 करोड़ का, ऐसे लगभग 10.5 करोड़ के काम हमारे पास अभी वर्तमान शहर में बिल्कुल चालू होने के कारण में कुछ काम चालू हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी अन्य सौगातें हैं। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय तो अब आपको क्या बताया, ये लगभग जितने भी काम हैं, अभी नगर पालिका की स्थिति, माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अभी ये हमारे माननीय सम्मानीय विधायक जी गौरीशंकर जी विषय, इनके प्रयासों से ही विशेष विधायक निधि के तहत कुछ पैसा लाया गया था 1.5 करोड़ का, जिनका भूमि पूजन हो चुका था वो चुनाव के लगभग दरमियान में, उसके बाद 10.5 करोड़ के जो काम लाए गए थे उनमें से भी कल अभी हमारा एक भूमि पूजन होना चालू हो गया है। और भूमि पूजन अब तो ऐसा हो रहा है कि भूमि पूजन तब करेंगे जब काम चालू होगा, इस स्थिति में हम लोग के पास है। इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे विधायक रविशंकर जी माननीय विधायक जी को जाता है। अभी देखा जा रहा है कि बात की 26 तारीख का वो कार्यक्रम कैसा होगा? ये 26 तारीख का ऐसा है कि अभी ये अब इसमें एक बात और बता दूँ, ये वार्ड नंबर 33 का मामला है। अभी वार्ड नंबर 33 में हमारे पास 2.10 करोड़ के काम हैं, जिसमें 1.40 करोड़, 3 किलोमीटर लगभग सीमेंट रोड है, जिनका भूमि पूजन 26 तारीख को हो गया है। रोड का काम अभी चालू है, लेवल पे आने वाला है, जिस दिन लेवल हो जाएगा 26 तारीख तक सब पूरी रोडें लगभग लेवल हो जाएंगी और उनका उसी दिन हमारे आदरणीय गौरीशंकर जी से उनका उद्घाटन करेंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वह 3 किलोमीटर हमारा जो पिछड़ा इलाका था, वार्ड नंबर 33 बहुत बड़ा क्षेत्र उपनगरीय क्षेत्र कहलाता है, लगभग 4,500 मतदाता है यहाँ पर, इतने बड़े क्षेत्र में रोडों का बहुत अभाव था, जिसमें विशेष विधायक निधि के तहत बाबू ने हमें 1.5 करोड़ की राशि वह दिए हैं। उसके अलावा अपने विधायक निधि से भी हमारे पास 50 लाख के काम चालू हैं
और एक विशेष 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 निधि के तहत एक 40 लाख का काम हो रहा है, जो सेन चौक से लेकर के गायपुरी तक वह जा रहा है, वो डामर रोड का काम है, जिसकी पहले उसकी चौड़ाई 3 मीटर से भी कम थी। इसके हमारे विधायक जी से हम सब लोगों ने, अपने मोहल्ले के लोगों ने, मैंने, खुद ने हमने निवेदन किया उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए, तो वह 4 मीटर की भी चौड़ाई में रोड बन रही है, जिसका काम चालू है। और इसके अलावा एक और काम है हमारा, 1.5 करोड़ का भी एक विशेष अपना DMF फंड से भी पास हुआ है, जो वार्ड नंबर 32-33 को अलग से हुआ है, उसका भूमि पूजन हो चुका है। भूमि पूजन के अलावा उसमें लगभग 20% काम हो चुका है। आप इस बात को सुधारेंगे, अभी उस साइड जाएंगे तो आप देखेंगे काम बहुत प्रगति से चल रहे हैं, लगभग हम गर्मी तक। संवाददाता बालाघाट ब्यूरो भास्कर भारद्वाज के साथ देखें पूरी रिपोर्ट।